हाँ चीतू चढ़ गया। अबे हट जा आगे से, अबे अबे हट जा भाई, एक घोड़ा बीच में आ रहा है। तो ये सीधा रास्ता अपने काओ बांध पे ही चला जाएगा। अब इस ट्री के ऊपर से हार्वेस्टर जा पाएगा इन जा पाएगा एक बार देख लेते हैं, नहीं जा पाएगा तो फिर इस ट्री को हटाना पड़ेगा। वेलकम है फार्मिंग सिमुलेटर की एक और नई वीडियो में। और सबसे पहले तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं अपने डोई को फूड डालता हूँ, क्योंकि आज काफ़ी सारा काम करना है और फिर मैं डोई को फूड डालने भूल गया तो एक भूखा रह जाएगा। तो अभी इसको पहले फूड डाल दिया है और ये फूड खा लेगा आराम से, और उसका एक बार जो बाउल फुल कर दो वो पूरे दिन भर चल जाता है, तो दिन भर आराम से खाना खा लेता है। और आज काफ़ी सारा काम करना है, लास्ट वीडियो में जो शोरगुम लगाई थी आज वो शोरगुम हार्वेस्ट करनी है, और दो खेतों में लगाई थी दोनों की हार्वेस्ट करनी है, कुछ एनिमल्स को डालनी है, बाकी स्टोरेज में साइलो में डाल देनी है। तो ये अपनी ट्रॉली यहाँ रेडी है ही, और इधर मैंने स्ट्रॉबेरी की भी 4 कैरेट रख ली हैं, एक तो इस वाली गाड़ी के अंदर आ गई है और 3 इसके अंदर आ गई हैं, एक यहाँ पर और रख लेते हैं, और टोटल मिला के 5 हो जाएंगी। तो ये अपनी जो है बेकरी में डिलीवर करनी है। तो अपनी SUV में भी एक आ जाती है क्रेट, तो SUV को मैंने अटैच कर लिया था क्योंकि ट्रेलर एक काफ़ी ज़्यादा छोटा है और अपनी SUV इसको आराम से पुल कर लेगी। बस इसको यहाँ लोड करते हैं, और अभी तो फिलहाल बेकरी में ज़रूरत नहीं है, जो लास्ट टाइम स्ट्रॉबेरी सप्लाई की थी उसके बाद मैंने एक बार और सप्लाई कर दी थी, तो वो भी अभी बची हुई हैं, क्योंकि अभी ब्रेड और केक वगैरह काफ़ी कम बन रही है क्योंकि अदर आइटम्स जो है कम है। और बाकी ये तो 4 लोड हो गई हैं, इनको ज़रा बेल्ट से बांध देते हैं। तो इसको बेल्ट से बांधूँ, ये बेल्ट से बंधी हुई है, ये भी बंध गई, ये भी हो गई, और इस वाली को भी बेल्ट से बांध देते हैं, तो पूरी फिक्स रहेंगी, यहाँ से हिलेंगी नहीं। एक और बेल्ट बांध देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इस पर तो 2 बेल्ट बांध दी। वैसे अपनी SUV लग काफ़ी ज़्यादा सही रही है, और इस वाले को तो आराम से खींच लेगी, कोई इशू नहीं है। मैंने वैसे ट्राई किया है पहले एक बार, तो कोई इशू हुआ नहीं था। बाकी अभी एक बार फिर से सप्लाई करने जाएंगे जब देख लेंगे, खेत पे लेके चलना है हार्वेस्टर, क्योंकि जो अपनी शोरगुम लगाई थी एक तो सामने उस वाले खेत में और एक इधर वाले खेत में, दोनों ही रेडी हैं। तो अभी हार्वेस्टर चाहिए होगा, और हार्वेस्टर पे अटैचमेंट शायद दूसरे वाली लगी हुई है। हाँ, तो हार्वेस्टर पे ये कोन वाली अटैचमेंट लगी हुई है, इसको हटाना पड़ेगा। तो ये कोन वाली अटैचमेंट हटानी पड़ेगी, और ये पीछे दूसरी अटैचमेंट जो लगी है वो शोरगुम के लिए है, वो वाली चाहिए होगी। और इसको एक बार डिटैच करते हैं इससे, उसके बाद मेरे को हार्वेस्टर थोड़ा सा घुमा के लेकर आना पड़ेगा इस वाले अटैचमेंट को अटैच करने के लिए। ये ठीक है, ये हो गया अटैच। और भी इस हार्वेस्टर को बाहर जाने के लिए मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले गेट से तो शायद जाएगा नहीं, मेरे को बाहर से दूसरी साइड से घुमा के लेके आना पड़ेगा इसको। नहीं, इधर से तो किसी हालत में मेरे को लग नहीं रहा जाएगा ये, एक बार ट्राई कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, यहाँ से नहीं जा सकता ये गेट तो अपना काफ़ी ज़्यादा छोटा है, इसको मुझे दूसरी साइड से घुमा के लेके आना पड़ेगा सामने वाले खेत में लगाने के लिए। एक काम करते हैं, पहले जो अपना अंदर वाला खेत है ये भी रेडी है, इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हार्वेस्टर को बाहर लेके चलेंगे दूसरे खेत में। बस को यहाँ पे लगा लेते हैं हार्वेस्ट करने पे, और अभी देख लेते हैं एक बार, वैसे तो सही से हार्वेस्ट कर देगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है, सही से काम कर रहा है, अगर अटकेगा तो एक बार फिर से आके देख लेंगे। अभी ये सामने को ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, इसको मैं हटा लूँ तो बाद में रास्ते में अड़ेगा इसके। तो इस वाले ट्रैक्टर पर सीडर लगा हुआ है, तो अभी इसकी जरूरत फिर से पड़ेगी अभी कोई जब दूसरी क्रॉप लगानी होगी, तो इसको फिलहाल यहीं साइड में पार्क कर देते हैं। यहाँ पे ठीक है, हार्वेस्टर इतने हार्वेस्ट कर रहा है, अभी थोड़ी देर में फुल हो जाएगा, तो जब मैं ट्रॉली लाके में शोरगुम भर के ले जाऊँगा, और अभी इतने और कुछ काम कर लेते हैं। और इतने जो है मेरे को अभी काओ बान को यहाँ मूव करना है, मतलब तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं काओ बान को यहाँ पर मूव करने वाला हूँ, तो अभी काओ बान को ही मूव कर ही लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर काओ बान काफ़ी छोटा पड़ रहा है और वहाँ पर जगह भी काफ़ी ज़्यादा कम है। तो अभी काओ बान को वहाँ से हटाते हैं, पर काओबान को पहले हटाने के लिए मुझे काओस का देखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, पहले नया काओबान यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो नया काओबान मैं यहाँ पे सोचता हूँ हॉर्स बान के साथ में। तो ये जो सबसे बड़ा वाला काओबान है फीडिंग रोबोट के साथ, ये 7,22,000 यूरो का है। और फीडिंग रोबोट का मेरे को समझ नहीं आया कि फीडिंग रोबोट का क्या है, ये भी एक बार देख ही लेंगे, शायद कोई ऑटोमेटिक मशीन होगी काओस को जो है फीड करने के लिए। अगर ये वाला लगाएं तो ये 5,18,000 यूरो का है, नहीं सबसे बड़े वाला ही लगा लेते हैं। और इसमें 80 काउस की कैपेसिटी है, जो मैंने लगा रखा भी 45 का है, और वैसे ये वाला भी 80 काउस का ही है और ये वाला भी 80 काउस का ही है, बट ये फीडिंग रोबोट के साथ है कुछ, तो इसी को इंस्टॉल करते हैं। और अभी जगह देखनी पड़ेगी इसके लिए, यहाँ जगह कितनी रहने वाली है, क्योंकि मुझे ट्रैक्टर को यहाँ पर मूव करने की जगह भी चाहिए। तो थोड़ा सा इधर की साइड करके लगाते हैं यहाँ पर कहीं पर, तो यहाँ पर पोजिशन इसकी आ रही है लगाने की, और थोड़ा गैप भी रहेगा पीछे से ट्रैक्टर वगैरह के निकलने के लिए। तो ये लगा दिया है, और एक बार पास से देख लेते हैं कि ये कितना बड़ा है, और ये उससे तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और ये इधर शायद मिल्किंग की मशीन है, और ये यहाँ से गेट खुल जाते हैं ये वाले,
तो ठीक है, ये वाला गेट भी खोल देते हैं। और बाकी एक ये बड़े वाला गेट है, ये तो अपने ट्रैक्टर को अंदर लाने के लिए है, मतलब यहाँ पे खाना वाना डालने के लिए कुछ। और ये जो है ये शायद मिल्किंग मशीन ही लग रही है वैसे तो मेरे को, तो ये जो है यहाँ पे लगे हुए हैं सक्शन के लिए, तो ये मिल्किंग मशीन ही है। अब एक बार काउस का देखते हैं, काउस को यहाँ मूव करना है, तो काउस को मूव करने का कैसे करना है, तो ये रही अपनी काउस। और अब नॉर्मली तो ऐसे मूव करने की ऑप्शन आ नहीं रही, एक काम करते हैं उस वाले बांध को हटा के देखते हैं, तो तब शायद मूव करने की ऑप्शन आ जाए। तो ये रहा वाला बांध, बट नहीं 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 इसमें या तो मेरे को सेल करना पड़ेगा, एक बार इस बांध के पास चल के ही देखते हैं। और अपना जो ट्रक था जो काउस को ट्रांसपोर्टेशन के लिए था वो भी मैंने वापस कर दिया, क्योंकि उसका कोई यूज़ तो था नहीं। वो ट्रक होता तो शायद मैं काउस को यहाँ से लोड करके इस वाले में अनलोड कर देता, बट अभी फिलहाल वो ट्रक मैं वापस कर चुका हूँ, तो अभी कुछ और सोल्यूशन देखना पड़ेगा काउस को यहाँ पर लाने का। देख लेते हैं कि यहाँ पर शायद कोई ऑप्शन आ जाए, तो यहाँ पर भी ऐसी कोई ऑप्शन आ नहीं रही है दूसरे वाले बांध के अंदर मूव करने की, तो अभी मुझे इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा। अपने पास 45 काउस है और इनको मैं सेल नहीं करना चाहता, क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है इतना बड़ा करने में। एक काम करते हैं, वो वाला जो है फिर से ले आते हैं ट्रांसपोर्ट करने वाला, जो बड़े वाला काउस के लिए ट्रक था। और मैं क्या करता हूँ, मैं उसके लिए ट्रक नहीं परचेस करता, अपना ट्रैक्टर लेके चलते हैं। बट ट्रैक्टर यहाँ पर आ पाएगा काउस को यहाँ से लेने के लिए? निकल तो जाना चाहिए यहाँ से ना। ठीक है, अगर ट्रैक्टर लेके चलते हैं, उससे पीछे वाला ट्रेलर लेके आता हूँ जो काउस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो यार अपना वाला बड़े वाला ट्रैक्टर, और पीछे से इसको हटा देते हैं, और वहाँ से दूसरे वाला जो है वो लेके आता हूँ, और वो लीज़ पे ही लेके आता हूँ। पहले ही मैं लीज़ पे ही लेके आया था, मैंने वापस कर दिया था काउस को ट्रांसपोर्ट करने के बाद, अभी फिर से उसको लीज़ पे लेके आते हैं एक बार। और फिर ये वाला जब काउस मूव हो जाएंगी इस वाले बांध के अंदर, तो छोटे वाले बांध को मैं हटा दूँगा, और फिर बड़े वाले काऊ बांध में तो काफ़ी जगह है, तो उसमें ही फिर काउस रहने वाली हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा बड़ा काला काऊ बांध तो आता है नहीं। तो जो मैं ट्रेलर लेके आ रहा हूँ उसको हाथ के हाथ अभी वापस कर देंगे काउस को ट्रांसपोर्ट करने के बाद। तो ये रहा वाला ट्रेलर, इसको जो है लीज़ पे लेते हैं, और ये 4080 यूरो का पड़ रहा है लीज़ पे। तो ठीक है, इसको अटैच करते हैं, वो रहा पीछे वो आ चुका है, अब इसको अटैच करते हैं और उसको लेके चलते हैं फटाफट से। तो इसमें एक बार में 12 काउस ले जा सकते हैं, और मेरे पास अभी 45 काउस हैं, तो चार बार मुझे मूव करना पड़ेगा। चलो हो गया अटैच, और इससे जो है फटाफट अटैच हो जाता है, टाइम लगता नहीं, क्योंकि ये ट्रैक्टर जो है रिवर्स करने में काफ़ी इजी है, क्योंकि इसका पीछे का पोर्शन भी अलग से मूव करता है और आगे का अलग से मूव करता है। अब बस देखना है यहाँ से कि ये ट्रैक्टर यहाँ से जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। थोड़ा सा ट्रैक्टर ये वाइड है, तो इसलिए ध्यान रखना पड़ता है, और वैसे तो निकल जाना चाहिए आराम से। हाँ आ गया, ठीक है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और ये 10 हैं, 10 की 10 को ट्रेलर में मूव कर लेता हूँ, तो 10 ही हो गई, और इस वाली में से 2 कर लेते हैं, तो ये टोटल 12 आ पाएंगे। अभी 12 आ चुके हैं ट्रेलर के अंदर, तो एक बार देख लेते हैं ट्रेलर में पीछे। वैसे तो ट्रेलर में दिखता नहीं है अंदर का, बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो दिख जाएगा। और ये अंदर दिख रही है काउ, और इसमें थोड़ा देखना डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो है इसका रिफ्लेक्शन ही इतना ज़्यादा है। बाकी इसका एक और तरीका है देखने का अंदर, तो यहाँ कैमरे को मैं थोड़ा सा ऐसे करता हूँ तो दिख जाती हैं। तो ये भी सारी काउस अंदर लोड हो रखी हैं, अब बस इन उस वाले बांध के अंदर ले जाके अनलोड करते हैं। तो अनलोड करने के लिए यहाँ पे ठीक है, काफ़ी स्पेस है, इधर काफ़ी ज़्यादा खुला है। अब बस ये अपनी 10 2 काउ तो ये वाली हैं, इसको मूव कर देते हैं, यहाँ पे हो गई 2, और बची 10 हैं ये वाली, और इन 10 को करते हैं, तो ये हो गई 2 मूव, और ये बची हुई 8 और कर दी, तो पूरी 12 काउस मूव हो चुकी हैं। और एक बार काउस को देख लेते हैं, उनके खाने वाने का भी देखना पड़ेगा, और इस वाले काउ बांध में अभी फीडिंग रोबोट का सिस्टम भी मुझे समझना पड़ेगा कि क्या सिस्टम है। तो काउस तो यहाँ आ गया, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इसमें काफ़ी स्पेस है, अंदर भी काफ़ी स्पेस है, और अंदर भी सारी चीज़ों का इंतजाम करना पड़ेगा, स्ट्रो वगैरह भी ला कर डालना पड़ेगा। ये एक काउ यहाँ पर क्या कर रही है, जाके बाहर घूम, यहाँ अकेली अंदर क्यों बैठी है? और अभी इसमें वैसे तो TMR ही डालना है, ये वाले गेट नहीं खुलते क्या? ये वाले गेट नहीं खुलते, इधर तो जगह भी काफ़ी कम है। अरे इधर यह खुल जाता है, ये तो ट्रैक्टर वगैरह के लिए है। चलो और काउस को लेके आता हूँ पहले मैं, और यहाँ मूव करता हूँ, उसके बाद इनके खाने का इंतजाम करते हैं। और इस वाले ट्रैक्टर को यहाँ से निकालता हूँ, मेरे को यहाँ से चेक भी करना था कि ये वाला ट्रैक्टर यहाँ से निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, क्योंकि ये रास्ता मेरे को थोड़ा कम लग रहा था इसके हिसाब से। हाँ निकल पा रहा है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा तो जो है टायर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, बट ठीक है निकल जाएगा, इतना इशू भी नहीं है।
1 hour later. तो ये मैंने 36 cows तो यहाँ move कर दिए हैं, अब बस 9 रह गई हैं और सामने शायद अपना हार्वेस्टर भी फुल हो चुका है। एक मिनट हार्वेस्टर को देख लेते हैं, क्योंकि हार्वेस्टर अगर फुल हो जाएगा तो हार्वेस्टर रुक जाएगा, और जहाँ तक मुझे लग रहा है फुल हो गया होगा तो एक बार उसे जो है मुझे खाली करना पड़ेगा। तो ये हार्वेस्टर कहाँ है, हाँ वहाँ रुका खड़ा है सामने, तो ये हार्वेस्टर फुल हो चुका है। तो एक बार अपनी ट्रॉली ले आते हैं और ये हार्वेस्टर को खाली कर लेते हैं, ट्रॉली सामने खड़ी हुई है, तो एक बार इस वाली ट्रॉली को लेकर चलते हैं और हार्वेस्टर से शोरूम खाली कर लेते हैं। और अभी काओ बांध के जो है फीडिंग रोबोट का भी देखना है मुझे, तो फीडिंग रोबोट का सिस्टम क्या है तो एक मिनट देख ही लेते हैं वैसे ना। तो ये रहा फीडिंग रोबोट, इसमें ये सब अलग अलग जगह दी हुई हैं, यहाँ पे जो है ये हे डालने के लिए, स्ट्रो डालने के लिए, ये साइलेज डालने के लिए, और ये यहाँ पे मिनरल फीड डालने के लिए इसके अंदर। तो ठीक है, तो इसमें TMR मुझे बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये TMR खुद अपने आप बना लेगा। मुझे बस यहाँ पे जो है जैसे ये हे ला के डालनी है, स्ट्रो ला के डालना है और साइलेज ला के डालनी है, और ये यहाँ से अपने आप पिक कर लेगा और अपने आप TMR बना के काउस को दे देगा। तो काफ़ी सही है, मेरे को TMR में मिक्स करने का झंझट ही नहीं है। तो अभी इसमें भी ला के डालते हैं, तो अपने पास सारा सामान वैसे रखा हुआ है, जो नहीं रखा होगा वो रह के ले आएंगे और यहाँ पे ला के डाल देंगे, और इसमें तो काफ़ी सारा आ जाएगा स्टॉक के अंदर, अपनी काउस को जो है फीडिंग रोबोट के थ्रू मिलता रहेगा। पहले एक बार जो है शोरूम खाली कर लूँ, क्योंकि शोरूम मुझे अभी पिग्स को भी देना है और कुछ हॉर्सेस को भी देना है। और हार्वेस्टर फुल होकर रुका हुआ है यहाँ पे, तो अभी जब तक इसको मैं खाली नहीं करूँगा तब तक ये इसको स्टार्ट भी नहीं करेगा वापस फिर से। तो अरे रुक जाओ, थोड़ा सा आगे हो गया, पीछे करता हूँ, बस 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 यहाँ पे है, और इसने यहाँ पे हार्वेस्टर चला दिया है। अब एक मिनट रुक जा यार, रुक जा, इसको ट्रॉली को भरने दे, रुक जा, आगे लगाता हूँ उसके ना। हाँ ठीक है, अभी रुक गया, तो ट्रॉली को पहले फुल कर लेते हैं, उसके बाद ये हार्वेस्ट कर लेगा, इसको थोड़ी ज़्यादा जल्दी हो रही है हार्वेस्ट करने की। तो ट्रॉली तो गई फुल, और कुछ तो अपनी इस वाली गाड़ी में भी आ जाएगा, अगर कुछ इसमें भी डाल दे आ जाएगा इसमें भी, नहीं इसमें नहीं डाल रहा, फिर तो उसको हार्वेस्ट करने दो, ट्रॉली जो है अपनी फुल हो गई है। और अभी तो इस गाड़ी पे इतना लोड पड़ रहा है, मैं गलती से इस वाली गाड़ी को लिया है, क्योंकि ट्रॉली में काफ़ी ज़्यादा लोड हो गया फुल भरने के बाद, तो मुझे यहाँ पे दूसरा ट्रैक्टर लेके आना चाहिए था कोई, तो ये गाड़ी लोड खींच लेती है, बट इतना भी नहीं कि पूरी पूरी भरी हुई ट्रॉली को खींच ले। और यहाँ से लेके चलते हैं, पहले थोड़ा सा शोरूम हॉर्स बार में भी डाल देता हूँ। तो यहाँ पे ठीक है, और बाकी देख लेते हैं हॉर्स बार में भी रिक्वायरमेंट कितनी की है। तो हॉर्स बार में मैंने जो लास्ट टाइम सारा डाला था, सारा इन्होंने खा लिया, तो ठीक है डाल ही देते हैं, पूरा ही प्लेट देते हैं इनके लिए। तो ट्रॉली जैसे ही मैंने पीछे अनलोड करने के लिए ओपन करी, ये इसमें फंस गई, और ये वाली गाड़ी तो उसको किसी हालत में निकाल सकती। ठीक है इसको हटाते हैं, बड़े वाला ट्रैक्टर लेके आता हूँ, वो इस ट्रॉली को निकालेगा। तो अभी कोई ट्रैक्टर देख लेते हैं जो वहाँ पे जा पाए, तो ये वाला ट्रैक्टर भी जा सकता है, इसको ले चलते हैं एक बार। और उससे पीछे कल्टीवेटर लगा हुआ है, कल्टीवेटर को तो यहीं पे छोड़ देते हैं, तो कल्टीवेटर तो अब यहीं पे चाहिए होगा, इसको यहीं छोड़ते हैं और इसको वहाँ ले चलते हैं। और पहले तो देखना पड़ेगा कि वहाँ पे इतनी जगह है नहीं, तो इसको दूसरी साइड से रिवर्स करके लेके आना पड़ेगा, कि इस साइड तो ट्रॉली ऑलरेडी फंसी हुई है। तो यहाँ से रिवर्स करके लेके चलते हैं, वैसे ट्रैक्टर वहाँ तक चला आ जाए ये नहीं किया था, फिर कोई और दूसरा ट्रैक्टर लाना पड़ेगा, और ये वैसे तो शायद थोड़ा चला जाएगा, हाँ चला गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस अब ट्रॉली के पास तक पहुँच जाए एक बार। नहीं थोड़ा सा इसको सही से पोजीशन करके लगाना पड़ेगा, अभी भी ट्रॉली कनेक्ट नहीं हो रही इससे। हाँ अब ठीक है, अब अटैच हो गई। तो ट्रॉली से यहाँ बुरी तरह फंस चुकी है, ये यहाँ से निकल नहीं रही, इसको बाद में देख लेंगे इसको कैसे निकालना है, क्योंकि अभी ये जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ उतनी ज़्यादा फंसती जा रही है। तो वैसे ट्रॉली की भी रिक्वायरमेंट तो थी, बट अभी फिलहाल हार्वेस्टर चल रहा है तो उसको बाद में देखेंगे, पहले अपनी काउस को मूव कर लेते हैं, क्योंकि अभी 36 काउस तो मूव हो चुकी है, 9 काउस रहती हैं उनको ही मूव करते हैं, और उसके बाद यहाँ पे काउस के जो है खाने का इंतजाम करते हैं।
ट्रेलर यहाँ पे आ चुका है, आप बस जो बची हुई काउस हैं इनको भी ट्रेलर में लोड कर लेते हैं। और अभी कितनी हैं, ये तो तीन दिख रही है वाली, तो होस्टिंग तो सारी आ गई। और ये एंगुश वाली कितनी है, ये दो ही हैं, तो ये हो गई पांच। और अब इसके बाद बचेंगी शायद चार, हाँ ये वाली चार बची हैं, तो ब्राउन स्विस चार हैं, ये चार आ गई, तो नाइन काउस बची थी। ये सारी की सारी लोड हो गई हैं, 36 में पहले लेके गया था, तो ये वाला बान हो चुका है खाली। और अब इस वाले बान को सेल करने का टाइम भी आ ही गया है, तो इसको मैं सेल कर देता हूँ क्योंकि इसका भी अच्छा खासा अमाउंट मिल ही जाएगा। तो अभी इस वाले बान को करते हैं सेल, और इसके मुझे 1,16,000 यूरो मिल रहे हैं, तो ठीक है, ये हो गया सेल। और अब यहाँ पे हो गया खाली जगह, क्योंकि यहाँ से बान अपना हट चुका है, अब बस इसको लेके चलते हैं। और जो अपनी बची हुई नाइन काउस है इनको भी मूव कर देते हैं अपने नए वाले बान के अंदर, और वो बड़े वाला बान है, और उसमें अभी खाने का इंतजाम करते हैं। तो सामने ये मेरे पास बेल्स पड़ी हुई हैं, साइलेज रहा है यहाँ पे और हे है, तो इनको भी जाके वहाँ पे डाल देंगे, और शायद कुछ स्ट्रोक की बेल्स भी पड़ी होंगी, नहीं पड़ी होंगी तो जाके एक बार स्टोर से ले आएंगे। और वैसे ये वाला ट्रैक्टर काफ़ी बड़ा है, अगर ये ट्रैक्टर वहाँ पे हॉर्स बान के पीछे तक पहुँच पाया ना, तो ये बड़े आसानी से निकाल देगा उस वाली ट्रॉली को। एक बार ट्राई करते हैं, हो सकता है ये वाला ट्रैक्टर वहाँ तक पहुँच जाए, तो इसके लिए तो बड़ा आसान काम होगा उस ट्रॉली को निकालना। अभी जो बस थोड़ा सा आगे करते हैं, और अभी सही पोजीशन पर नहीं आया ट्रेलर, अब तो आ गया शायद, हाँ यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सही पोजीशन में आ चुका है। इन सबको अनलोड करते हैं, नाइन काउस हैं, तो तीन हैं ये वाली, तो ये मूव टू हस्बेंड्री कर दिया। और ये वाली कितनी है, ये दो ही हैं, तो इसको ही मूव कर दिया। और ये वाली हैं चार, तो यही मूव कर दिया, तो हो गई सारी काउस मूव। और अपना इसका जो है ट्रेलर का काम हो गया फ्री, तो एक बार इसको साइड लगाऊँ और उसको भी मैं रिटर्न कर दूँ, तो ये यहीं से रिटर्न हो जाएगा। तो ठीक है, इसको अब यहाँ से इसको रिटर्न कर देते हैं, तो ये अपना लीज्ड आइटम्स में आ गया ये वाला ट्रेलर, बस इसको अब करते हैं यहाँ पे रिटर्न, क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है, और फालतू में इसका बिल बनवा के कोई फ़ायदा है नहीं। पीछे जो डोली लगी हुई है, डोली को अटैच करते हैं सॉइल टैंकर के साथ, और फिर इस वाले ट्रैक्टर को थोड़ा फ्री करता हूं, और एक बार लेके चलते हैं पीछे वहां पे हॉर्स बान के वहां पे, तो ये हो गया अटैच। और इसको मैंने ट्रैक्टर को यहाँ से हज से हटा लिया है, और एक बार ट्राई करते हैं, हो सकता है अपनी ट्रॉली निकल ही जाए नॉर्मल तरीके से। बट यार ट्रैक्टर तो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, इसको तो वहाँ ले जाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम है। तो यहाँ तक पहुँच तो गया और अटैच भी कर लिया, बट ट्रॉली कुछ गलत तरीके से ही फंसी हुई है। ये कैसे फंसी हुई है ऐसे, तो इसका एक टायर यहाँ पे है, अब ये यहाँ पे इस पर लोड भी नहीं लगा पा रहा है, बट निकाल लिया शायद इसने ना, एक मिनट शायद निकल जाएगी ये, बस ऑलमोस्ट निकल तो गई है, थोड़ी सी और रहती है, हल्का सा और ट्राई करेंगे तो निकल जाएगी। मुझे लगता है मुझे वाला ट्री भी काटना पड़ेगा, ये ट्री जो है बीच में आ रहा है, इस ट्री को भी काट देते हैं, यहाँ पे दूसरा ट्री लगा देंगे बाद में। तो ये ट्री तो काट दिया, और ये ट्री का गिरने का इफेक्ट कुछ ज़्यादा ही सही था, कुछ ज़्यादा ही नेचुरल हो गया, और अब आज के साथ गिरा है ट्री। और ये ट्री मैंने अभी नए लगाए थे, तो थोड़े ज़्यादा बड़े भी नहीं हुए थे, अब ये ट्री तो काट दिया है, अभी थोड़ा सा इसका ये रह गया, और अब ट्राई कर लेते हैं निकल जहाँ चाहिए। एक ट्रॉली ने पूरी आफत खड़ी कर दिया, निकल तो गई शायद, अब एक मिनट निकल गई शायद, नहीं अभी भी टायर फंसा हुआ है हल्का सा। ट्रैक्टर तो निकल गया यहाँ से, और ये ट्रॉली नहीं निकल रही है, अरे निकल जाया, तो मेरे को शायद थोड़ा धक्का मारना पड़ेगा इसको ट्रैक्टर से। तो ट्रॉली यहाँ से तो निकल नहीं रही, तो अब इसका तो कोई और सोल्यूशन ट्राई करना पड़ेगा, पहले मैं ट्रैक्टर को यहाँ से निकालूँ, और फालतू में एक पेड़ और कटवा दिया, और इधर गाड़ियों का जाम लग गया, लगने दो वैसे भी, ये पेड़ को पड़ा रहने दो, अपना प्राइवेट रास्ता बनाने वैसे मेरे को इस वाले रास्ते को, क्योंकि रेलवे लाइन के दूसरे वाला खेत भी मुझे परचेज करना है, तो यहाँ पेड़ को पड़ा देता हूँ, यहाँ से कोई गाड़ी निकल ही नहीं पाएगी। और अब एक ही तरीका है कि मैं इस वाले ट्रैक्टर को हॉर्स बान के अंदर लेके जाऊँ, तो इस ट्रैक्टर को हॉर्स बान के अंदर तो ले जाने के लिए यहाँ से ट्राई कर लेते हैं, चला जाएगा, इसके टायर वैसे इतने बड़े बड़े हैं, थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे तो चला जाएगा, यहाँ से इधर को ट्राई कर लेते हैं। हाँ अच्छे तो चढ़ गया, अबे हट जा आगे से, अबे हट जा भाई, एक घोड़ा बीच में आ रहा है, पर यहाँ तक तो मैं ले आया, इसको अंदर कैसे लेके जाऊँगा, अंदर तो ये शायद जाएगा नहीं, अंदर तो नहीं जाएगा, ट्रैक्टर काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, और अंदर जो अपने हॉर्स पावर की हाइट काफ़ी कम है,
तो छोड़ो, इस ट्रॉली का बाद में देखेंगे, ट्रॉली फंस चुकी है। और वैसे शायद इसको रीसेट करने की ऑप्शन भी आती है, वो भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। अभी पहले तो स्ट्रेटर को बाहर निकालूँ। उस ट्रैक्टर के बड़े टायरों से इतना फ़ायदा होता है कि कहीं भी जो है चढ़ जाता है, जैसे अभी आराम से हॉर्स बार्न की बाउंड्री पर चढ़ गया और अंदर चला गया और बाहर भी आ गया। तो अब इसको तो वापस वाटर टैंक के साथ अटैच कर देते हैं, और अब एक और ट्रॉली का मुझे इंतज़ाम करना पड़ेगा। और वैसे इस वाली ट्रॉली को रीसेट करने की ऑप्शन भी आ रही होगी मैप पे, एक बार ट्राई करते हैं। इसको तो अटैच कर दिया, अब एक बार मैप पे देख लेते हैं ट्रॉली कहाँ पे दिख रही है। तो ये ट्रॉली का यहाँ पे हॉर्स बार्न के अंदर दिखनी चाहिए, तो ये ट्रॉली यहाँ पे दिख रही है DK115। और इसको अभी रीसेट वगैरह, हाँ यार रीसेट करने की ऑप्शन आ रही है तो इसको रीसेट कर देते हैं। तो ये रीसेट कर दिया, बट ये रीसेट करके शायद शॉप पे चलाई गई होगी, तो शॉप से अगर मुझे जाके लेके आनी पड़ेगी। तो एक ढंग का ट्रैक्टर ले लूँ, कहाँ अपना इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर कहाँ पे है, या तो ये बड़े वाला ट्रैक्टर ले लेता हूँ, इसी को ले चलते हैं, इसी में टच करके ले आता हूँ। तो ये अपनी ट्रॉली रीसेट होके यहाँ पे आ गई है, और ये ट्रॉली मेरे को लग रहा है अब छोटी भी पड़ने लग गई है। फिलहाल काम चला लेते हैं, बाद में जो है बड़ी ले लेंगे, अभी फिलहाल तो उससे काम चल ही रहा है तो क्यों फालतू में खर्चा करा। उसको ले चलता हूँ हार्वेस्टर के पास, क्योंकि हार्वेस्टर फुल हो गया होगा और हार्वेस्टर ने काम करना रोक दिया होगा। अब उसको अनलोड करते हैं और फिर वो फिर से और हार्वेस्ट कर लेगा। और भी हार्वेस्टर को मुझे बाहर वाले बड़े वाले खेत में भी लेके जाना है, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी शोरगुम है, और जो अभी ये वाली शोरगुम लेंगे ये वाली अभी चिकन कूप में डालनी है, क्योंकि चिकन कूप में भी खाना ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। और हार्वेस्टर कहाँ पे है, हार्वेस्टर इधर की साइड होगा कहीं, देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से मुझे दिख नहीं रहा हार्वेस्टर खेत में। तो यार हार्वेस्टर यहाँ पे रुक कर खड़ा है, आप इसको जल्दी से अनलोड कर देते हैं ताकि यहाँ का इस वाले खेत का काम जल्दी से पूरा कर पाए। चलो हो गया खाली, और ये वाला फीड काफ़ी होगा अपने चिकन कूप के लिए। अपना चिकन कूप तो इससे ऑलमोस्ट फुल सा ही हो जाएगा, 9000 लीटर कैपेसिटी है चिकन कूप की, और 8000 लीटर तो शोरगुम अभी है इसमें पीछे ट्रॉली में। और ये तो ठीक है, ट्रॉली को मैंने सही जगह प्लेस कर दिया है, थोड़ा सा आगे करके प्लेस कर, हाँ बस ठीक है, यहाँ पे अनलोडिंग की ऑप्शन आ जाएगी। पर इससे पहले देख लेते हैं एक बार चिकन कूप में है कितना खाना। तो चिकन कूप तो बिल्कुल खाली ही है, तो यहाँ पर जो है काफ़ी जल्दी जल्दी खाना कंज्यूम हो रहा है। तो ये पूरी ट्रॉली अनलोड कर देते हैं, जल्द ट्रॉली अनलोड कर दी, और इसको अभी यहीं पार्क कर देता हूँ। अभी हार्वेस्टर के साथ मुझे चाहिए होगी ये, और बाकी अभी जो है अपने ये वाला काउ बान है, इसमें काउस तो मैंने मूव कर दिए हैं, और ये 45 काउस यहाँ सारी दिख रही हैं, सारी बाहर घूम रही हैं, या एक आध को अंदर ही बैठी हुई है, वैसे तो सब बाहर ही है, नहीं अंदर भी एक है, एक ये यहाँ घूम रही है, एक वहाँ घूम रही है। और बाकी इनके लिए भी स्ट्रो ला के डालना है, और जो फीडिंग रोबोट है उसमें तीनों चीज़ें ला के डालनी है, मतलब उसमें हे ला के डालनी है, साइलेज ला के डालनी है, और स्ट्रो ला के डालनी है। और उसके लिए मुझे अपना बेल लोडर वाली अटैचमेंट चाहिएगी, जो पीछे बेल लोडर वाली ट्रॉली है, जैसे बेल लोडर मैं लेके आया था वो सामने पार्क को रखी है। और एक ट्रैक्टर चाहिए होगा, ट्रैक्टर जिसमें अपना इलेक्ट्रिक वाला भी चल जाएगा, इलेक्ट्रिक वाला ट्रैक्टर भी सफिशियंट है इसको पुल करने के लिए। तो इलेक्ट्रिक वाला ट्रैक्टर यहीं पर चार्जिंग पे है, इसको अटैच कर लेते हैं उसके साथ। ठीक है, इसको पहले लेके चलता हूँ, अपने पास जितनी भी बेल्स रखी हुई हैं उनको लोड करके उनको डाल देते हैं, उसके बाद जो और कम पड़ेंगी वो परचेज करके ले आएंगे। और अभी यहाँ पे मैंने मिक्स कर रखी हैं, ये हे वाली भी एक साथ रखी हुई है और साइलेज वाली भी एक साथ रखी हुई है, तो मुझे अलग अलग करके डालनी पड़ेगी। और अभी खाली साइलेज वाली उठा लेते हैं। तो ये चार साइलेज वाली थी ये उठा ली हैं, और ये दो हे वाली हैं इनको बाद में लेके जाएंगे, क्योंकि अलग अलग जगह मुझे डालनी है, तो फिर ये मिक्स हो जाएंगी आपस में अगर एक साथ उठा के लेके जाऊंगा तो। बाकी अपने डोगी वहाँ पे कहाँ घूम रहे हैं, घूमते घूमते वहाँ पे जगह कम है पहले से और यहाँ पे और आ गया बीच में, इसको भी ध्यान से देखना पड़ेगा। अब ये साइलेज वाला कौन सा है अपना, साइलेज वाला चलो ये वाला है, साइलेज वाला थोड़ा बड़ा है उधर वाला। बस ठीक है, यहीं पे अनलोड करते हैं इसको, अब तो सही पोजीशन पे आ चुका है ये। और ये तीन साइलेज की बेल्स जो है तो कुछ भी नहीं है इसके लिए, थोड़ा सा ही आया है यहाँ पे, यहाँ पे तो मुझे पूरा पूरा फोल्ड करके डालना पड़ेगा इसको। तो एक काम करते हैं, जो हे बेल्स हैं दो ही रखी हुई हैं तो उनसे तो काम चलेगा ही नहीं, वह लेके ही चलते हैं, और हे बेल्स तो प्रॉपर परचेज करके लेके आता हूँ,
और हे बेल्स अभी काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ने वाली है, और वैसे अगर मैं यहाँ पे खुद बेल्स बनाता तो काफ़ी सस्ती पड़ती। वैसे तो बेल्स बनाने की मशीन है भी मेरे पास, और उसके लिए मुझे घास लगानी पड़ेगी और वो काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइम लग जाता है। तो फिलहाल काउस अपने पास 45 है, उन्हें खाना भी देना है, तो बेटर ऑप्शन यही है कि मैं जो है परचेज़ करके ले आता हूँ। तो अभी उस ट्रैक्टर को यहीं पार्क कर दिया, पहले बेल्स परचेज कर लेते हैं, देखते हैं बेल्स कहाँ पे आएंगी, फिर उस हिसाब से ट्रैक्टर को अरेंज कर लेंगे। और बेल्स परचेज करने के लिए मेरे को यहाँ पे देखना है, और यहाँ पे मेरे को लेनी है हे बेल्स रे राउंड वाली। और अभी अपनी कैपेसिटी जो पीछे बेल लोडर है उसकी 12 की है, तो 12 आ सकती है उसमें, तो देखते हैं मैक्सिमम कितनी ले सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे जो है 8 अलाउड है, तो एक ऑर्डर में 8 ले सकते हैं, तो पहले ये 8 ले लेता हूँ और फिर दोबारा से 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो 12 हे बेल्स होगी, और ये आ गई सामने यहाँ पे। अब बस इन्हें लोड कर लेते हैं अपने इस बेल लोडर में। तो अभी 12 में तो आधा ही हुआ है, मुझे लगता है इसकी कैपेसिटी 24 की है, तो 24 बेल्स आ सकती है, तो मैं 24 ही परचेस करके ले चलता हूँ। तो 12 बेल्स और ले लेते हैं, क्योंकि एक बार में काम हो जाएगा, फिर बार बार आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये बिल्स काफ़ी लंबे टाइम चल जाएंगी। तो अभी 8 ये और ले ली, और 4 और ले लेते हैं, ठीक है। तो 12 और परचेज़ कर ली। अब इससे फ़ायदा होगा कि लंबे टाइम तक जो है अपनी काउस के लिए फूड का इंतजाम हो जाएगा। और ये उस साइड आई है, तो थोड़ा सा इसको घुमा के मुझे यहाँ पार्क करना पड़ेगा। तो ये 24 बेल्स लोड हो गई हैं, और ये अभी फुल हो चुका है, तो अब जाके फुल हुआ है। और अपना जो है ट्रैक्टर, छोटा ट्रैक्टर मैं ले आया, तो 24 बेल्स के हिसाब से मुझे पता ही था कि 24 बेल्स आ जाती हैं, तो ये ट्रैक्टर को अगली बार से बड़े वाला लेके आना है, क्योंकि बेचारा छोटा ट्रैक्टर है। छोटे छोटे व्हीकल से मैं ज़्यादा ही लोड डाल रहा हूँ, जैसे अपनी महिंद्रा रिट्रीवर पर ज़्यादा लोड डाल दिया, और ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर छोटा है, ये सब छोटे कामों के लिए है, तो इन पर बड़ा लोड इनके बस की नहीं है खींचना। तो अगली बार से जो है ध्यान रखना है ऐसे बेल्स वाला, 24 बेल्स का, तो इसके लिए थोड़ा सा मीडियम साइज़ का ट्रैक्टर भी चल जाएगा, स्मॉल साइज़ का ट्रैक्टर भी चल जाएगा, बट ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर तो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, ये एक्चुअल में स्मॉल साइज़ का भी नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे कामों के लिए है। तो ये ट्रैक्टर मुड़ भी नहीं पा रहा, अपने आप ही जो है मुड़ गया इस साइड, जैसे थोड़ा सा लोड बढ़ा। अब बस ये वहाँ तक पहुँच जाए एक बार, यहाँ तक तो ले आया, अब इससे आगे तो पहुँच ही जाएगा। अब इसको इस वाले रास्ते के लिए चलते हैं, तो ये सीधा रास्ता अपने काओ बांध पर ही चला जाएगा। और वैसे इस ट्रैक्टर की गलती भी नहीं है, लोड काफ़ी ज़्यादा है पीछे, तो पीछे बेल लोडर के टायर भी जो है काफ़ी ज़्यादा दब रहे हैं, तो मतलब से पता चल रहा है कि काफ़ी ज़्यादा वेट हो गया है। अब यहाँ से तो ऑलमोस्ट आ गया, सामने ही है बिल्कुल एकदम। और ये हे बेल्स को तो पहले वाले में डालना है, पहले वाला ये हे बेल्स का, तो थोड़ा सा मेरे को ट्रैक्टर को आगे ले जाके फिर रिवर्स करके लगाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ठीक है, बस इसको यहीं पे अनलोड करते हैं अब। और थोड़ी सी बाहर रह गई है, इनको तो बाद में ट्रैक्टर से जो है थोड़ा पुश करके हटा दूंगा, और अभी जाके एक बार स्ट्रॉबेल्स और ले आते हैं। बट स्ट्रॉबेल्स लाने से पहले मैं एक बार ट्रैक्टर चेंज कर लूँ, क्योंकि ये ट्रैक्टर छोटा है, तो अभी कोई ट्रैक्टर फ्री खड़ा होगा, वो सामने ट्रॉली में अटैच हो रखा है, वो ट्रैक्टर फ्री खड़ा है, उस वाले से अटैच कर लेते हैं। और इस ट्रैक्टर से तो अभी जो है सही से ये हैंडल भी नहीं हो रही पीछे ट्रॉली। चलो इसको यहाँ डिटैच कर देते हैं, और इस ट्रैक्टर को छोड़ा यहाँ पे, और इस वाले ट्रैक्टर को ले लेते हैं। चलो ठीक है, ये अटैच कर ली। अब मैं फटाफट से जाके 24 स्ट्रॉ बेल्स और परचेस करके ले आता हूँ। स्ट्रॉ भी आ चुका है, स्ट्रॉ भी मैं ले आया, तो इससे पहले साइज मैं डाल चुका हूँ, हे बेल्स भी मैं ला चुका हूँ, अब स्ट्रॉ रहता था, स्ट्रॉ मैं ले आया, और इस ट्रैक्टर की मैं 24 बेल्स ले आऊँ, और इस वाले ट्रैक्टर से इजीली आ गया, तो इतना कोई इशू नहीं हुआ। अब इसको सही से पोजीशन करके लगा लेते हैं, क्योंकि ये बीच वाला जो है ये है स्ट्रो का, और यहीं पे मुझे अनलोड करना है। बस ठीक है, यहीं पे अनलोड कर देते हैं। और अभी काउस के खाने का तो इतना ज़्यादा इंतजाम हो गया कि मेरे को नहीं लगता कि अभी काफ़ी लंबे टाइम तक काउस के लिए और खाना डालने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है जो ये फीडिंग रोबोट है,
और इसमें काफ़ी सारा मैंने कहाँ डाले, काफ़ी सारा क्या मतलब फुल से भी ज़्यादा ही कर दिया इनको। तो ठीक है ये एक्स्ट्रा हैं काफ़ी सारे ना, और बस अब क्या है इसके बाद रह जाएगा अपना साइलेज एक बार थोड़ा सा और ला के डालना है। तो साइलेज अभी के लिए सफिशेंट है, बाद में और ला के डाल देंगे। अभी चल के एक बार अपने हार्वेस्टर को देख लेते हैं। और अभी इसके बाद मुझे मिनरल फीड भी डालना है, पर मिनरल फीड इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, इसको बाद में ला कर डाल देंगे। और अपनी मशीन को यहीं छोड़ते हैं और हार्वेस्टर को देखते हैं। और हार्वेस्टर के लिए मेरे को ट्रॉली चाहिए होगी, तो ट्रॉली वही सामने, और ट्रॉली के लिए मैंने वाला ट्रैक्टर हटा लिया और ये वाला ट्रैक्टर ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक वाला ट्रैक्टर बड़े आराम से ट्रॉली को पुल कर लेता है। तो हार्वेस्टर ने इस वाले खेत को तो पूरा हार्वेस्ट कर लिया है, और अब हार्वेस्टर वैसे यहाँ पर फुल नहीं हुआ, ये खेत का काम पूरा हो चुका है, इसलिए यहाँ पर आराम से खड़ा हुआ है। और यहाँ से वर्कर तो हट चुका हुआ, तो ये हार्वेस्टर का पाइप मुझे खुद ही चल के ओपन करना पड़ेगा। और जो इतना भी है उसको ट्रॉली में डालते हैं। और उसके बाद अभी थोड़ा सा यहाँ पे बाहर की साइड पाइप हो गया, अभी थोड़ा सा इसे इसको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हार्वेस्टर में जितना भी अभी शॉर्टगो में इसको खाली कर देते हैं, उसको हार्वेस्टर को ले जाके बाहर बड़े वाले खेत में लगा देता हूँ। तो ये इसमें हो गया खाली, इसका पाइप करते हैं बंद। और हार्वेस्टर को मुझे बड़े वाले खेत तक बाई रोड लेके जाना पड़ेगा, तो ये वाले रोड से लेके चलते हैं, क्योंकि अंदर से तो बाहर निकलने की जगह है नहीं हार्वेस्टर की, मतलब है पर जिस साइड से मैं शॉप पे आता हूँ उस साइड से ले जाना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा लंबा पड़ेगा और यहाँ से रोड से काफ़ी ज़्यादा शॉर्टकट पड़ने वाला है। और इधर रोड पे जो है ट्री गिरा हुआ है, जो ट्री मैंने काटा था, अब इस ट्री के ऊपर से हार्वेस्टर जा पाएगा या जा पाएगा एक बार देख लेते हैं, नहीं जा पाएगा तो फिर इस ट्री को हटाना पड़ेगा। हाँ निकल गया इसके ऊपर से, तो अरे फंस मत जाइए यार, ये काम बढ़ जाएगा अगर फंसा, तो थोड़ा सा फंस गया, इस ट्री को काटना पड़ेगा। अब थोड़ा सा उस साइड से और काट देता हूँ, तो फिर तो निकल जाएगा इजीली। ठीक है अब ट्राई कर लेते हैं एक बार। हाँ निकल गया निकल गया निकल गया, चलो अपना काम हो गया। नहीं तो फालतू में यहाँ पे मुझे फिर कोई ट्रैक्टर लाना पड़ता है, कुछ लाना पड़ता, किसी के थ्रू से खींचना पड़ता। आज वैसे भी ट्रॉली को निकालने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था, बाद में उसको रीसेट ही करना पड़ा, मुझे जाके शॉप से लेके आना पड़ा। और ये अपनी हनी बी की फार्मिंग भी इधर चल रही है, इसमें भी कुछ हनी इकट्ठा हो गया, तो इस हनी की रिक्वायरमेंट भी अभी जो पड़ेगी इसको भी यहाँ से पिक करके ले जाएंगे। और अभी शोरगुम वाला खेत अपना ये है, तो इसको जो है उस साइड से लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि इस साइड से तो थोड़ा सा खेत ये टेढ़ा है, मतलब रोड की साइड से, और इधर की साइड से सीधा है। ठीक है, तो हार्वेस्ट कर रहे हैं और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये खेत काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और काफ़ी ज़्यादा बड़ा है सही में। क्योंकि जब इसको मैंने सीडर से सीड लगाए थे तब इसमें इतना ज़्यादा टाइम लगा था कि ये नॉर्मल खेत से तो शायद 3 या 4 गुना बड़ा है, ये 3 गुना से तो ज़्यादा ही है। और अब भी एक बार यहाँ से जंप करके चलते हैं, और जो अपना ट्रॉली में शोरगुम पड़ा हुआ है उसको ले आते हैं, और थोड़ा सा पिक्स को डाल देते हैं, क्योंकि पिक्स का भी खाने का देखना है अभी। और ये अपना डॉगी यहाँ पर प्रॉपर रखवाली करता है, तो यहाँ पे घूम रहा है, यहाँ पे हॉर्स है, यहाँ पे काव है, और इधर ही घूम रहा है। और जब से मैंने काव बांध लगाया तब से मैं नोटिस कर रहा हूँ कि ये कभी काव बांध के पीछे और कभी काव बांध के यहाँ पे, तो यहीं पे घूमे जा रहा है, तो ये सेफ्टी का पूरा ध्यान रखता है। तो पिक्स को तो मैंने काफ़ी सारा खाना ला के डाल दिया था, तो वो तो अभी चले जा रहा है, और थोड़ा सा जो बाकी कम पड़ेगा वो शोरगुम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है इसको करते हैं अनलोड, और थोड़ा सा ही शोरगुम है, मतलब आधा ट्रॉली के आसपास है। और अभी अपने बड़े वाले खेत में हार्वेस्टर तो लगा हुआ है, उससे तो काफ़ी ज़्यादा निकलने वाला है, तो अभी छोटे वाले से ऑलमोस्ट जो है 2.5 ट्रॉली निकल गया, तो बड़े वाले से 6 या 7 ट्रॉली शोरगुम तो निकले गई। तो मैं इसको यहीं पार्क कर देता हूँ, क्योंकि अभी इधर वाले खेत में हार्वेस्टर लगा हुआ है, वो सामने हार्वेस्टर वहाँ पे चल रहा है, तो इसको यहीं इस गेट से ले चलेंगे ट्रैक्टर को, और इसमें ही फिल करके ले आएंगे। बाकी मैंने अपने ग्रीन हाउस में टमाटो और लेटस भी जो है शुरू कर दिए ग्रो करनी। टमाटो और लेटस को मैं डायरेक्टली सेल कर रहा हूँ, और जो स्ट्रॉबेरी है उनको भी स्टोर भी कर रहा हूँ, और कुछ को डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा हूँ। और बाकी अपने काव बान में यहाँ पे काव आराम से बैठी हैं बाहर, और ये खाने वगैरह का इंतजाम प्रॉपर हो चुका है, तो अब ये जल्दी से मिल्क देना भी शुरू कर देंगी, क्योंकि इनको सही से खाना मिलता है तब ये प्रॉपरली मिल्क देती हैं। और इनके मिल्क को फिर डेयरी पे ट्रांसपोर्ट कर देंगे, और वहाँ से बटर और चीज़ वगैरह रेडी हो जाएंगे। तो अभी फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।